हेलो दोस्तों, क्या आपने अभी तक कोई AI इमेज जनरेट की है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इमेज जनरेट करना सीख जाओगे। इमेज जनरेट करने के लिए जो सबसे बेस्ट टूल है इसका नाम मिड जर्नी है, लेकिन अब मिड जर्नी फ्री में यूज करना पॉसिबल नहीं रहा। कुछ टाइम तक मिड जर्नी फ्री रहा मगर अब ये टूल पेड हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे AI टूल के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है और इससे जनरेट की इमेजेस भी काफी जबरदस्त हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टूल को यूज करने के लिए आपने गूगल पर सर्च करना है लेक्सिका आर्ट। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। अब आपके सामने ये टूल ओपन हो गया है। सबसे पहले यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें। इसके बाद गूगल के जरिए इसमें साइन इन कर लें। अभी ये नीचे जितनी भी इमेजेस हैं ये सब इसी AI टूल से जनरेट की गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी कमाल की इमेजेस हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक और इतनी अच्छी क्वालिटी में। इधर एक ऑप्शन है, इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको एक लाइन में कितनी इमेजेस शो हो। इसमें एक इमेज अपलोड का ऑप्शन भी मौजूद है। काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते कि इस ऑप्शन का क्या फायदा है। दोस्तों, इसका फायदा यह है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई इमेज है और आपको इसी इमेज से रिलेटेड कुछ इमेजेस और चाहिए तो आप यहां से इसे अपलोड करके इसी इमेज से मिलती जुलती और भी इमेजेस हासिल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहां पर कोई इमेज अपलोड करता हूं। ये किसी और वेबसाइट से डाउनलोड की हुई इमेज है। अभी आप देख सकते हैं कि इस टूल ने कितनी कमाल की इमेजेस शो की हैं। इसमें एक और ऑप्शन का आप यूज करके कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। बस आपको यहाँ लेक्सिका अपर्चर की जगह स्टेबल डिफ्यूजन पर क्लिक करना है। अभी आप दोनों में रिजल्ट का डिफरेंस देख सकते हैं। सो दोस्तों, अभी मैं आपको न्यू इमेज जनरेट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ जनरेट पर क्लिक करना है। इमेज जनरेट करने के लिए इस बॉक्स में आपने पहले टेक्स्ट लिखना है जिस किस्म की आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ एलन मस्क एज अ किड। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने कमाल के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। अभी मैं नेक्स्ट सर्च करता हूँ एलन मस्क प्लेइंग बास्केटबॉल। किसी किसी इमेज में थोड़ी सी खराबी है मगर आप रीजनरेट करके और भी इमेजेस जनरेट कर सकते हो जब तक आपको अपने काम की इमेज नहीं मिल जाती। इस टूल की खास बात यह है कि इसमें आप लाखों इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। इधर डायमेंशंस का ऑप्शन काफी काम का है। इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इमेज का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ लैंडस्केप इमेज जनरेट करता हूँ। कुछ ही सेकेंड बाद यहाँ इमेजेस जनरेट हो गई है। आप चाहें तो सिंपल इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं कोई यूनिक टाइप इमेज जनरेट करता हूँ। सो अभी मैं यहाँ अपना टेक्स्ट लिखता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस टूल को हम यूज करके अपने काम को काफी एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। इस टूल से जनरेट हुए इमेजेस को आप किसी भी पर्पस के लिए सोशल मीडिया पर यूज कर सकते हैं। आपको कभी कॉपीराइट इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए नए AI टूल्स के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।